हरे कृष्णा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन होती है। वैशाख माह का आखिरी दिन पूर्णिमा तिथि होती है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुरुवार 23 मई 2024 को वैशाख पूर्णिमा पड़ रही है। वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके लिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि विधान का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि आखिर वैशाख पूर्णिमा का महत्व इतना खास क्यों है। वैशाख पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। वैशाख पूर्णिमा को यम पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन यम को प्रसन्न करने के लिए पानी का घड़ा दान करना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से परम लोक की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर पीपल की परिक्रमा करें। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ऐसे में पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वैशाख पूर्णिमा की प्रारंभ तिथि बुधवार को 22 मई शाम 6:47 से शुरू होगी और वैशाख पूर्णिमा समाप्त तिथि होगी गुरुवार को 23 मई शाम 7:22 पर। उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। यदि आप गंगा स्नान कर सकते हैं तो जरूर करें, अन्यथा घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात वैशाख पूर्णिमा व्रत का संकल्प लें। विधि विधान से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। देवी देवताओं को प्रिय भोग लगाएं और बाद में प्रसाद के रूप में पूरे घर परिवार में वितरित करें। विशाख पूर्णिमा तिथि पर सख्ती से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विशाख पूर्णिमा तिथि पर तामसिक भोजन लेना निषेध बताया गया है। इस दिन किसी भी प्रकार के तंबाकू नशे का सेवन भी वर्जित है। इस दिन वाणी पर विशेष ध्यान दें, किसी को भी अपशब्द ना कहें, किसी पर गुस्सा ना करें और संभव हो तो मौन ही रहें। वैशाख पूर्णिमा के दिन पशु पक्षियों के लिए खाने और पानी का विशेष इंतजाम करें। घर की छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर जरूर रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन दान करने का विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। वैशाख पूर्णिमा के दौरान गर्मी का प्रभाव अधिक होता है, ऐसे में ठंडे पेय पदार्थ, जल, मिट्टी के मटके आदि दान कर सकते हैं। जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र का भी दान करें। ऐसा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शास्त्रों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन पीपल की पूजा करने से लोगों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही पितर भी संतुष्ट होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन पेड़ लगाने से बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभावों से लोगों को मुक्ति मिलती है। वैशाख माह में श्री हरि के साथ पीपल वृक्ष की भी पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल के पेड़ पर श्री हरि का निवास होता है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बहुत पवित्र एवं शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में शनि, गुरु और अन्य ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। पीपल के पेड़ में 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। सुबह उठकर इस पर जल अर्पित करने, पूजा करने और दीपक जलाने से तीनों देवताओं की कृपा मिलती है। आइए अब सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की कथा। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो और न ही उसे निसंतान होने का दुख रहे।
तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्र हास्य राज करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है, जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर से नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसीलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुन धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपत्ति को 16 दिन तक मां चंडी के पूजन का सलाह दिया, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपत्ति की आराधना से प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं, ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना, जब तक 32 दीपक ना हो जाएं। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपत्ति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास के प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। तब माँ पार्वती ने माता काली के वरदान के वृतांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए काल देवदास का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।